नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइन। आज हमारा टॉपिक है छठा दिन में हीट एंड टेम्परेचर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग सब जानते होंगे। 11 सेक्शन वहाँ पे चल रहा है। आज छठा दिन में हीट एंड टेम्परेचर यानी असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 के बैठने वाले सभी स्टूडेंट देख लीजिए, उसके वह एक बार तो ज़रूर देख लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें ही आएगा। लगभग 40 कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन यानी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में पूछा जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात करना चाहता हूँ, आप अच्छी तरह से तैयार करके जाइए, यानी इसमें ही स्कोर बन सकते हैं आपके, ठीक है। चलिए, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जिस टाइम में वीडियो अपलोड करा यानी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज हमारा टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर का पहला क्वेश्चन आपके पास में, हीट इज एसोसिएटेड विथ, आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। उसका जो PDF हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल में एक साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट असिस्टेंट लोको पायलट स्पेशल CBT 2 के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, नोट आप लोग को मिलते रहेंगी, ठीक है। आप जरूर हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। यदि आपको दिल से अच्छा लगा तो ये वीडियो आप जरूर लाइक कीजिए। लाइक करने के लिए पड़ेगा, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए अच्छी तरह से और नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हीट कंटेंट ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन। उसका जो सही आंसर है आप लोग सभी लोग जानते होंगे, हीट कंटेंट बॉडी डिपेंड यानी मास ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सही है यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, यानी जो हीट एनर्जी का कौन सा यूनिट नहीं होगा। आप लोग देख लीजिए, जूल ही होगा, कैलोरी ही होगा, यानी केल्विन नहीं होगा। केल्विन किसका एकक है, ये है टेम्परेचर का इकाई केल्विन है, आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर इंटरकन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर स्केल। आप लोग देख लीजिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ स्केल बारे में, आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए। C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू K-273/100। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर स्केल का। सी मतलब आप लोग जानते होंगे सेंटीग्रेड, एफ मतलब फारेनहाइट, के मतलब केल्विन, आर मतलब रिमर स्केल, ठीक है। आप इसको नोट करते जाइए, यानी चार क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, यही सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, और जो तीन है ये सब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर में गिव इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, ठीक है। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग। उसका जो सही आंसर है देख लीजिए अच्छी तरह से, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0° सेल्सियस टू 4° सेल्सियस इट इज वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर डी ही होगा सही आंसर, ठीक है। ज़्यादातर टाइम अभी नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के और याद करके जाइए क्योंकि इसका समझने के अभी टाइम नहीं है। जो भी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव कर रहे सब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं तो उस तरफ से उसी के लिए ये MCQ बहुत आसानी हो सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 42,000 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, और बी हमारा 8 नंबर का जो बी आंसर है हमारा सही आंसर है, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम वाटर ऑफ 10 डिग्री, ठीक है। 100 ग्राम का 10° सेल्सियस में जितना जो हीट रिक्वायर्ड होगा उसका होगा
4200 जूल, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, उसको भी रट लीजिए। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही होगा सही आंसर, 273.16 केल्विन, ठीक है, यानी जो ट्रिपल पॉइंट ये कौन सा इकाई में आएगा, केल्विन में आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें ही बन सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सपेंड द मोस्ट ऑफ सेम राइज इन टेम्परेचर, देखिए उसका जो सही आंसर है, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी एल्यूमिनियम का एक्सपेंड द मोस्ट सेम राइज टेम्परेचर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोअर कंडक्टर ऑफ हीट, आप लोग सभी लोग जानते होंगे एयर ही उसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जूल बटे के जी डिग्री सेल्सियस, ये ही स्पेसिफिक हीट का क्या यूनिट है, इकाई है, आप लोग उसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द इक्वेशन इज इक्वल टू रिलेटेड फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल, शायद कुछ वहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, चलिए उसका जो सही आंसर होगा सी होगा सही आंसर, ठीक है, एक्स एक्सिस में आएगा। मैं लिख देता हूँ उसका क्या मिस्टेक है, यानी एफ माइनस 32 बटे 180 इक्वल टू सेल्सियस बटे 100, ठीक है, वहाँ पे ये मिस्टेक लिख लीजिए आप लोग। द इक्वेशन इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 180 इक्वल टू सी बाई 100, ठीक है, फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल टेम्परेचर, उसका जो ग्राफ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑफ एक्स एक्सिस में ये ग्राफ आएगा, आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन्फिनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन सब्सटेंस इज ऑलवेज, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन इट्स लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए एंड बी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड सम मटेरियल एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम हियर, ए एंड बी रेफर टू क्या, दो तरफ है कन्वेक्शन एंड कंडक्शन हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हिच लॉ इज ओबेड व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग इज स्मॉल, सही सी बात है, उसका जो सही आंसर है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर थ्रो एक्चुअल मास मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन में ओनली मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जो वगैरह मोमबत्ती वगैरह जलते हैं उस पर ऊपर हाथ रखा वो जो बाष्प आ रहा है वेपोरेशन वहाँ का जो हो रहा है ये कन्वेंशन हो रहा है, ठीक है, आप लोग सभी जानते होंगे, थोड़ा थोड़ा ये ऑब्जेक्टिव टाइप है इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, यानी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, इसी क्वेश्चन को अच्छी करते होंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट हमारे साथ एमसीक्यू दे रहे हैं आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए क्या क्या गलत है क्या क्या सही है, मैं उसको भी सुधार सकता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग का क्या क्या गलत है क्या क्या सही है आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, और दिल से कहता हूँ यदि अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप ब्लैक ऑब्जर्व रेडिएंट हीट व्हिच ऑफ व्हिच इज नियर अबाउट, आप लोग जानती होगी 90-80%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट टेम्परेचर टी द एमिसिव पावर एंड ऑब्जर्वेशन पावर ऑफ ए बॉडी फॉर सर्टन वेव लेंथ आर ई एल एंड ए एल रेस्पेक्टिवली देन, उसका जो सही आंसर है आप लोग देख लीजिए ई एल इक्वल टू ए एल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल फॉर, आप लोग रट लीजिए न्यूटन का लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी एक क्वेश्चन जरूर आएगा तो आएगा, ठीक है, वहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा और जो हमारा जो स्केल वगैरह है वहाँ पे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं,
क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को आ सकता है, आप लोग जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि 40 क्वेश्चन लगभग वहाँ पे आ सकता है। चलिए दोस्तों, उसका जो सही आंसर है और देखिए क्या होगा, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ओवर द सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, फोर्स कन्वेंशन लॉसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ए सब्सटेंस इज हॉट इट्स पार्टिकल मूव मूव मोर फास्टर देन कूलर ऑब्जेक्ट, मूव मोर स्लोअर देन कूलर ऑब्जेक्ट, मूव एट द सेम रेट ऑफ कूलर ऑब्जेक्ट, मे मूव फास्टर स्लोअर देन कूलर ऑब्जेक्ट। उसका सही आंसर क्या होगा? उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर ऑफ द हीट। आप लोग सभी लोग जानते होंगे मेटल इज कंडक्टर ऑफ हीट, यानी वहाँ पर मेटल पेपर नहीं है, क्लॉथ नहीं है, एयर नहीं है, यानी सही आंसर है हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, मास ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ सब्सटेंस, ऑल ऑफ द एबव, यानी सही आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हीट ब्रिंग डैश चेंज। उसका जो केमिकल, यानी जो कि शायद हम लोग मोहम्मद को जलाया, वो तो केमिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द टेम्परेचर ऑफ एट व्हिच लिक्विड चेंज इन टू वेपर इज कॉल्ड, लिक्विड टू वेपर, यानी किसको बोलते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी विदाउट हीटिंग इन स्पेस बिटवीन टू कॉल्ड। इसका जो सही आंसर है देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, रेडिएशन। ठीक है, यानी जो सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट फैक्टर हीट ऑब्जर्व ऑन रेडिएशन बाय बॉडी डिपेंड्स ऑन डैश। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी, सोर्स ऑफ द हीट एंड इट्स कलर। हाँ, ये जो कलर्स लिखा है, आप लोग जानते हैं हीट ऑब्जर्व करने वाला कलर ज़्यादातर कौन है, ब्लैक। ठीक है, आप लोग देखिए धूप में ब्लैक शर्ट पहन के जाइए, ज़्यादातर गर्मी लगते हैं, यानी व्हाइट पहन कर जाइए तो ठंडी ठंडी लगता है, ज़्यादा गर्म नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे कलर भी आ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कूल्ड स्टील स्पून इज डिपेंड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर हीट अदर एंड टू बाय ए प्रोसेस, उसका है कंडक्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई कंडक्शन इज ओनली पॉसिबल इन सॉलिड। उसका जो सही आंसर है देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बोथ ए एंड बी, आप लोग पढ़ते जाइए। ठीक है, पार्टिकल सॉलिड आर क्लोज पैक्ड हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू एंडर एंड कूल कोल्डर एंड एट ऑब्जेक्ट, आप लोग तो जानते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन बॉल 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप ए मग कंटेनिंग वाटर 40 डिग्री, द हीट विल बी। हाँ, आप लोग देखिए ये हमारा एक मग है, उसमें जो पानी है, ये पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री है, मैं उसके ऊपर एक लोहे का बॉल डाल देता हूँ, ये लोहे का बॉल भी पानी का हीट में सेम है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस, वही है पूछा रहा है ना, उसका आंसर क्या होगा, क्या देता है, ए में देता है हॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ये दे रहा है वाटर बॉल को आयरन बॉल, सॉरी वाटर को आयरन बॉल एंड आयरन बॉल को वाटर, ये क्या हो रहा है ट्रांसफर, देखिए उसका ये नहीं होगा क्योंकि ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री, यानी ये तो सेम रेट है, ये
किसको किसको जाता है, यही हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्लॉथ ऑफ डैश कलर ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ डैश कलर, डार्क कलर है यानी जो काला कलर है उसको हीट ऑब्जर्व करेगा ज़्यादातर। ठीक है, ठीक है, देखिए हीट कलर ऑब्जर्व करेगा हीट को बेटर देन क्लॉथ ऑफ व्हाइट कलर यानी लाइट कलर जो होगा, क्या होगा उसका सही आंसर, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डार्क लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर द वाटर इज पोअर कंडक्टर ऑफ हीट सो डू नॉट हीटेड बाय, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द मेटेरियल व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड, आप लोग तो सब लोग जानते होंगे उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम, द रीजन फॉर द फॉर दिस कुड डैट, उसका जो सही आंसर है देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, कॉपर इज बेटर कंडक्टर हीट स्टेनलेस स्टील के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द इक्वेशन रिलेटिंग द हीट ट्रांसफर रेट ग्लास विंडो कंसिस्ट ऑफ, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सरफेस एरिया थिकनेस थर्मल कंडक्टिव, ये तीनों ही सही है यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट जीरो ऑन ए केल्विन स्केल इज इक्वल टू, लीजिए उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा जीरो केल्विन है। ठीक है, आप लोग रट लीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, टेम्परेचर ऑफ कोर अर्थ इज इक्वल टू 3727 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इज किल, हम लोग का जो स्केल इक्वेशन है हम लोग देख लीजिए सी बटे 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 180 डिग्री इक्वल टू के माइनस 273 बटे 100 इज आर बटे 80, ये हमारा स्केल का इक्वेशन है। ये क्या क्या पूछा गया है यानी ये जो सेल्सियस दे रखा है केल्विन दे रखा है, उठाइए सेल्सियस को और केल्विन को, क्या होगा सी बटे 100 इक्वल टू के माइनस 273 बटे 100 यानी 100 कैंसल, सी इक्वल टू के माइनस 273 यानी केल्विन क्या होगा सी प्लस 273 देख लीजिए सी प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन यानी ये सी जगह में उसको पुट कर दीजिए 273 ऐड करते जाइए क्या होगा 3727 यानी 7 × 3 = 10 यानी 00 आ गया, तो थोड़ा आप लोग देख लीजिए ऑप्शन हमारा एक है ए है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करने चाहिए। ठीक है, मैं समझाने के लिए इसी का लिखा और इसको भी लिख के बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 630 केल्विन, दिस टेम्परेचर सेल्सियस इक्वल, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज, उसका देखिए हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज द टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हीट अप्लाइड टू पीस ऑफ मेटल विल कॉज, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 1 लीटर ऑफ वाटर 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड 1 लीटर ऑफ वाटर 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर विल बी क्या होगा। देखिए ये एक वाटर है, ये भी एक वाटर है, ये 30 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, ये दोनों मिला लीजिए, ये दूसरे दूसरे को कोऑपरेट करेगा, यानी 30 और 50 मिडिल में एक टेम्परेचर आएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ना तो 50 होगा, ना उसका दोनों ऐड होके, ऐड होने के बाद 80 डिग्री होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये उसका मिडिल पॉइंट एक टेम्परेचर आया वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन बॉल 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड, ये ज़्यादातर 40 डिग्री सेल्सियस ये ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर ऑफ ए 40 डिग्री सेल्सियस द हीट विल बी। ठीक है, ये ज़्यादातर रिपीट हो गया, ये पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन कर चुकी हैं उसको। ठीक है, देख लीजिए उसका जो सही आंसर है, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर फ्रॉम आयरन बॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी डैश इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट बॉडी। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हायर। ठीक है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, उसके ज़्यादा टेम्परेचर है, इसका कम टेम्परेचर है, ये ज़्यादा टेम्परेचर वाली कम टेम्परेचर को रफ्तार क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी जो कि गतिशील होगा। ठीक है, आप लोग सब लोग जानते होंगे ये मॉलिक्यूल वहाँ पे आएगा ये उस तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉलिश्ड सिल्वरी सरफेस इज बी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमारा 50 MCQ वहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, यानी जो सब्जेक्ट हमारा था हीट एंड टेम्परेचर का सब्जेक्ट। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लोग ज़रूर एक लाइक कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल के बने रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट एक्सेप्टेड 50 MCQ। उसका बाद मैं कहना चाहूँ आप लोग अच्छी तरह से तैयार करके जाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। बार बार मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कहलाता हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है, लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें ही बन सकते हैं, यानी लगभग 40 क्वेश्चन वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, आप लोग देख के जाइए। सो फ्रेंड्स आज ही उतना, फिर मिलेंगे एक अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQ की वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।